Today we will going to discuss about the chapter 8 from class 10 MP board. What is culture? Sanskriti kya hai? Written by Pandit Jawaharlal Nehru. ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया का, सभी को जानते हैं. ठीक है, सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था, कौन माता पिता है, सभी को अच्छे से पता है. तो उनके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ना देते हुए हम लोग चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि चैप्टर एक बेटा व्हाट इज कल्चर. सभी की संस्कृति होती है, सभी का एक नेचर होता है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं. ठीक है, तो उसी को कल्चर, व्हाट इज कल्चर, वही चीज़ें सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं. क्यों, एक जगह हम बोलते हैं कि हमें दूसरे को समझते और वहीं दूसरी जगह लड़ रहे होते हैं. ठीक, फॉर एग्जाम्पल दो पॉलिटिशियन पार्टीज अगर हम लोग बात कर लें. ठीक, हम बोलते हैं कि हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को समझ रहे होते हैं तो लड़ नहीं रहे, तो समझा इससे कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन निकालते हैं या फिर बोल सकते हैं कंक्लूजन निकालते हैं. बट नहीं, उसी जगह पे हम लोग उस चीज़ को अगेंस्ट जा जाके कर रहे हैं. तो ऐसे नेहरू जी के माइंड में भी जब ये चैप्टर लिख रहे थे या जब ऐसे लिख रहे थे तो उनके माइंड में भी कन्फ्यूज़न थी कि एक दूसरे की हेल्प नहीं करते और एक दूसरे को कटाक्ष करते हैं. ठीक है, तो इसी सारी चीज़ को उन्होंने लिखा था. व्हाट इज कल्चर, संस्कृति क्या है, उनके हिसाब से क्या है, उनके हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू क्या है संस्कृति को लेके या फिर इनर सोल को लेके. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई. लेट्स सी व्हाट इज चैप्टर, अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट चैप्टर. ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ट्राइज टू मेक एन अवेयर ऑफ द रियल मीनिंग ऑफ कल्चर. ठीक है, इससे रियल मीनिंग ऑफ कल्चर बताने की कोशिश करी उन्होंने. ही सेज दैट द कल्चर ऑफ अ कंट्री इन्फ्लुएंस बाय इट्स ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट. जो प्राचीन काल से भूतकाल, मतलब जब भूगोल से चलती हुई आ रही, क्लाइमेट से चलती हुई आ रही, बहुत जगह पर देखा होगा कि ज्योग्राफी जो जैसा ट्रेंड है वैसे ही. ठीक है, कि पंजाब है तो वहाँ पर बिल्कुल ऐसे, हाँ हरियाणा है तो थोड़ा सा अट्टे कट्टे. तो ये ज्योग्राफिकल और क्लाइमेट की वजह से भी हमारे यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल व्यवहार है, तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें चलती हुई आ रही है. ठीक है, द ट्रू मीनिंग ऑफ द कल्चर अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू इज टू रिलेटेड इनर ग्रोथ इन आ मैन. ठीक है, इनर ग्रोथ, खुद को अंदर से अगर हम डेवलप कर लें बेटा, अंदर से हम लोग अपने आप को मजबूत बना लें, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा अंदर का ग्रोथ, मतलब हमारा जो अंदर हम लोगों की सोल है वो प्योर कर लें, या फिर हम लोग दूसरे के लिए सोचने लग जाए अच्छा और दूसरों को समझने लग जाए, तो वो एक मेन जो ग्रोथ है मेन की, वही एक रियल कल्चर है, संस्कृति है. ही मस्ट हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड बीइंग अंडरस्टूड बाय द अदर्स एज वेल एज. सामने वाला भी आपको समझे और आप भी सामने वाले को समझो, यही एक रियल कल्चर है. ही हु लैक्स दिस क्वालिटी लैक्स नॉलेज एंड विजडम, हिज माइंड एंड कल्चर इज नेरो. ठीक है, जिसमें ये क्वालिटी नहीं है समझने की, ठीक है, उसका नॉलेज, जो भी नॉलेज है वो किसी काम का नहीं, जो विजडम उसके पास में जो बोल सकते हैं हम लोग इधर उधर की सोच समझ है वो भी किसी काम की नहीं, और उसका जो कल्चर होगा, उसकी जो संस्कृति होगी बहुत नेरो, छोटी सोच वाले होंगे. ठीक है, तो इसलिए हमेशा ब्रॉड, जिसे बोल सकते हैं ब्रॉड माइंडेड कल्चर जो होगा वो अंडरस्टैंडिंग वाला होगा, और किससे होगा, इनर ग्रोथ से. इनर ग्रोथ ऑफ ए मैन इज कॉल्ड द रियल कल्चर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू. लेट्स सी अ समरी. ठीक है, चैप्टर में है क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू माइंड इज फुल ऑफ कन्फ्यूजन. ठीक है, फुल ऑफ कन्फ्यूजन मतलब अलग अलग विभिन्नताएं. अब ऑब्वियस बात है कि बेटा प्राइम मिनिस्टर थे तो कुछ कुछ नई नई चीज़ें चलती ये रहती थी, कि इसको देखते थे वो इसको देखते थे, देश के अलग अलग विभिन्न इलाकों में जाते थे तो अलग अलग जगहों से, तो उस टाइम पर चैप्टर लिखा था, तो उनके माइंड में कन्फ्यूजन थी. नेशन एंड इंडिविजुअल ग्रुप ऑफन टॉक अंडरस्टैंड टू वन अनदर एंड लर्न फ्रॉम वन अनदर. ठीक है, बहुत कम ऐसा लगता था कि एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं. ही फाइंड्स दैट द पीपल हु नो वन अनदर मोस्ट क्वारल मोस्ट. ठीक है, वो उनकी जो स्टडी थी उनकी एनालाइज करा था कि जो एक दूसरे को सबसे ज़्यादा जानते हैं वो सबसे ज़्यादा लड़ते हैं. जैसे घर में देखा होगा मम्मी पापा बॉस. ठीक है, हम लोग बहन भाई बहुत अच्छे से समझते भी हैं तो बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा लड़ते भी, तो एक एग्जांपल के तौर पर उन्होंने दिया कि जो सबसे ज़्यादा एक दूसरे को समझते हैं वो एक दूसरे से लड़ते भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, इट मीन्स नॉलेज बाय इटसेल्फ डजंट लीड द ग्रेटर कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप. ठीक है, उनका इससे मतलब ये था कि केवल नॉलेज होना मात्र ही सब कुछ नहीं होता, उसे समझना भी सब कुछ होता है. ठीक है, नॉलेज ले लेना, पढ़ लेना, सब कुछ होना, यही सब कुछ नहीं होता, इससे कोई एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक कोऑपरेशन, मतलब एक बॉन्डिंग नहीं हो पाती. बाकी इसे समझना, इसे इम्प्लीमेंट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है. ठीक है, तो नॉलेज एक केवल लैक ऑफ, जिसे बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कमी है. ठीक है, केवल नॉलेज ले लेना ही सब कुछ नहीं होता. He fails to understand what is culture exactly is. ठीक है, और यहाँ पर इस सारी चीज़ों को देखिए, वो मतलब बोलते हैं कि कल्चर, संस्कृति क्या है वो उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता. ठीक है, द जर्मन पीपल स्प्रेड देयर कल्चर थ्रू देयर कॉन्टेस्ट एंड अदर मीन्स. ठीक है, जो जर्मन पीपल रहते हैं वो अलग अलग नुक्कड़ नाटक ऐसे बोल सकते हैं, या फिर अलग अलग चीज़ों से उनके कल्चर को प्रेजेंट करते रहते हैं. ठीक है, एवरी कंट्री मैन इंडिविजुअली हैड ए
पेक्यूलर आइडिया ऑफ कल्चर विच कॉजेस कंफ्लिक्ट एंड इंटर एस्ट्रेजमेंट. ठीक है, सबके पास में जो इनर बोल सकते हैं, जो एक इंडिविजुअल है कंट्री में, या फॉर एग्जांपल हम ही एक खुद को अगर एग्जांपल ले लें तो सबके अपने अपने कल्चर संस्कृति को लेके कुछ ना कुछ आइडियाज होते हैं, और वो आइडियाज कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट मतलब विरोधाभासी हो जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं भिन्नता या अभाव पैदा करते हैं. ठीक है, कि नहीं मेरा कल्चर ऐसा है तो मैं तो इसे एक्सेप्ट करूंगा. जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं अभी जनरली जो हो रहा है ना डे टू डे लाइफ में, कि नहीं वो उस कल्चर से बिलोंग करता है, उसकी संस्कृति से, तो ये अपोजिट है, हम उसको एक्सेप्ट क्यों करें, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट और इन एस्ट्रेंजमेंट के उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जैसे कि विरोधाभासी थे कि उससे विरोध करने लग जाते हैं. ठीक है, उससे कहीं ना कहीं अलग होने लग जाते हैं, और अपने अपने कल्चर के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग कम्युनिटी के लोग हो गए हैं. ठीक है, तो ये अपने अपने विचार के हो गए. ठीक, अकॉर्डिंग टू नेहरू जी, ईच नेशन एंड ईच सेपरेट सिविलाइजेशन डेवलप्स इट्स ओन कल्चर. डेवलप्स मतलब हर नेशन का अपना एक कल्चर होता है, और हर एक सभ्यता का अपना एक कल्चर. जैसे हम हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो सभ्यता से आए, तो हम लोगों को बोला जाता है कि नहीं वो वैसे सभ्यता का, तो सबका अपना एक कल्चर होता है, जिसे बोल सकते हैं एक संस्कृति होती है सबकी अपनी अपनी. देर इज नो यूनिक वर्ल्डली कल्चर विच इज एब्सोल्युटली प्रिस्टाइन प्योर एंड मिक्सचर्ड. ठीक है, वर्ल्ड में ऐसा उनकी नज़र में कोई भी कल्चर नहीं है जो बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्राचीन, प्योर, शुद्ध और मिक्सर, जिसमें कोई मिक्सर ना हो. ठीक है, सभी में कुछ ना कुछ मिक्सर मिलेंगे, सभी में कुछ ना कुछ अशुद्धता मिलेगी, कि सभी में कुछ ना कुछ जैसे बोल सकते हैं प्राचीन काल से नहीं चला आ रहा, कुछ ना कुछ नए नए इम्प्लीमेंटेशन होते आ रहे हैं. ठीक है, अनमिस्टेकेबली चेंजेस इन द मिक्सचर्स हैव बीन ऑकरिंग इन द कल्चर ओवर द एजेस. और ये सारी चीज़ें जिसे बोल सकते हैं जानबूझ के करना, ठीक है, चेंजेस करना, ये सब एजेस मतलब बहुत पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है. इन स्पाइट ऑफ द लिटिल एडेप्टेशन द बेसिक एलिमेंट ऑफ द पर्टिकुलर नेशनल कल्चर रिमेंस डोमिनेटेड. और अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने अपने कल्चर को प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग करते आ रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कम्युनिटीज़ की बात करें, तो अपने कल्चर को प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें उसमें चेंजेस करते रहते हैं, कि हाँ ऐसा उन्होंने बोला था तो हम लोग अब ऐसा करते हुए आ रहे हैं. ठीक है, तो लिटिल एग्जाम्पल्स. ठीक है, इट्स ऑफन लीड्स टू द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्लिक्ट एंड आइसोलेट देम. ठीक है, और इसी के कारण आपस में विवाद हो जाते हैं, इसी में आपस में टकराव हो जाते हैं, और इसी की वजह से विरोध होने लगता है. इट ऑल्सो कॉज द स्टेग्नेशन बिसाइड डीप कल्चर मस्ट हैव अ सर्टन डायनामिक कैरेक्टर. कल्चर इज मोस्ट ऑफन अफेक्टेड बाई द ज्योग्राफिक क्लाइमेट एंड द लोकेशन एंड द सॉइल. ठीक है, अब उन्होंने बताया है यहाँ पर जिसे गतिहीन हो चुका है, सबके गतिहीन मतलब कोई गति नहीं है, सबके एक जैसे ही जो चलते हुए आ रहे हैं वही चल रहे हैं. ठीक है, कुछ चेंजेस नए आते हैं तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो सेम ऐसे ही आ रहा है. और उन्होंने बताया कि कल्चर कहाँ से आए, सब ज्योग्राफिक या क्लाइमेट या फिर सोइल की वजह से, जैसे पंजाब में पैदा हुआ है या फिर हरियाणा में पैदा हुआ, थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर होता है बोला जाता है. ठीक है, साउथ में गए तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग हमारा है, तो हमारा डिवोटिंग नेचर रहता है, तो ये कहीं ना कहीं सॉइल, ज्योग्राफिकल और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारे कल्चर्स डेवलप होते रहते हैं. क्लोजिंग द माइंड टू द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड मेक इट स्टैटिक. ठीक है, अगर हम लोग बाहर की चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब बाहर मतलब फॉर एग्जांपल कोई सी अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हमारा माइंड स्टैटिक रह जाएगा, स्थिर रह जाएगा, कुछ उसमें चेंजेस ही नहीं आएंगे, जैसा चलता हुआ आ रहा वैसे ही चलता हुआ रहेगा. इफ़ द ग्रोथ इज स्टॉप्ड, ठीक है, हम अगर उसकी ग्रोथ नहीं करेंगे, उसमें चेंजेस नहीं करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा. ऑब्वियस बात है बेटा, मशीन अगर उसमें ऑयल पानी नहीं करेंगे, या फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ नहीं करेंगे जिससे उसके अपग्रेड कर सके, तो वो वैसा का वैसा वहाँ रुक जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन नए सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करा, तो कहीं ना कहीं हैंग करने लग जाएगा, रुकने लग जाएगा. सॉफ्टवेयर अपडेट करा, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सही, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं. ठीक, लाइफ गेट्स इंजर्ड एंड द अनडिटरमाइंड. सम ग्रेट रिलीजियस हैव कॉज्ड इविल इफेक्ट बाय मेकिंग द माइंड मैन स्टैटिक्स एंड डोगमेटिक एंड बायोगेटिक. ठीक है, जिसे बोल सकते हैं हम लोगों ने इतनी सोच बना ली कि वैसे की वैसे पुराने पद्धति के कारण चलते हुए आ रहे हैं, और उसी के कारण हमारा नुकसान होता हुआ जा रहा है. ठीक है, और वही नुकसान हम लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, कि नहीं हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है, तो हम लोग वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हम लोग वैसे के वैसे जैसा पुराना रीति रिवाज चलते हुए वही चला रहे हैं. ठीक, दे क्लेम टू हैव सेट द फाइनल वर्ड्स. और वही फाइनल वर्ड्स होते हैं कि नहीं उनने कह दिया मतलब कह दिया. जैसे बहुत सारी बार में हम लोग किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बट नहीं बड़े बुजुर्गों ने ऐसा कह दिया था कि नहीं वैसा होगा तो मतलब वैसा होगा, भले उसमें अब वो नुकसान हो रहा हो तो हो जाए. इंडिविजुअल रेस एंड द नेशन मस्ट हैव द सर्टेन डेप्थ एंड द सर्टेन रूट्स इन द पास्ट. ठीक है, जिनके रूट्स मतलब जैसे जड़ें पीछे से गड़ी हुई है, जैसे बोल सकते हैं जो जड़ पे पुरानी है वो तो हमेशा गड़ी रहेंगी, बट उन पर कुछ ना कुछ नए चेंजेस होना चाहिए.
हाउएवर वन कैन नॉट लिव द रूट अलोन, ठीक है, अकेली रूट नहीं रह सकती, बोल सकते हैं अकेली जड़ नहीं रह सकती, उसमें कुछ ना कुछ सारे पता चल रहा है कि पुरानी पद्धति थी, तो हम पुरानी पद्धति को छोड़ के नई पद्धति में अपना लिए तो ऐसा नहीं है, हमको पुरानी को भी लेना पड़ेगा जब हम लोग साथ में चलेंगे, तो उसमें कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग। There should be a healthy balance between the roots and the branches. ठीक है, बोल सकते हैं एक रिलेशन है हम लोगों का हमारे पूर्वजों से कैसा है, रूट और ब्रांचेस का, जैसे रूट जड़े उनकी काम कर रही है और ब्रांचेस उनका काम कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा हेल्थी बैलेंस करके चलना पड़ेगा। कल्चर मीन्स सम इनर ग्रोथ इन द मैन, ठीक है, कल्चर का जो संस्कृति का मतलब है वो इनर ग्रोथ ऑफ ए मैन बोल सकते हैं, खुद का अंदर से डेवलपमेंट, ठीक है। वन कंडक्ट टूवर्ड्स द अदर, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द अदर एंड बींग अंडरस्टूड बाई द अदर, और वो क्या है कि हम दूसरे को समझे, दूसरा हमें ईजिली समझ ले, और यही अंडरस्टैंडिंग इनर ग्रोथ करेगी, और इनर ग्रोथ क्या कहलाएगा, कल्चर कहलाएगा। ही हु लैक्स दिस क्वालिटी लैक्स नॉलेज एंड विजडम, ठीक है, अगर ये क्वालिटी हम लोग नहीं कर पाएंगे तो हमारा नॉलेज किसी काम का नहीं, हमारी जो सभ्यता वो किसी काम की नहीं, ठीक है। हिज माइंड एंड द कल्चर इज नैरो, उसकी उसकी सोच और उसका जो कल्चर उसकी संस्कृति वो छोटी रह जाएगी। ही हु शट्स द माइंड टूवर्ड्स द जेन्युइन नॉलेज एंड द ट्रुथ कॉल्ड अनकल्चर्ड, ठीक है, और हम लोग अगर ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते तो हम लोगों को क्या बोला जाता है, बोला अनकल्चर्ड है, मतलब संस्कृतिहीन लोग हैं ये, ठीक है, इसके पास में नॉलेज नहीं है तो ऐसे ही है, ठीक है, बहुत सारी बात हम लोगों को सुनने को भी मिलता है, ठीक है। अ कल्चर्ड फेलो इज ब्रॉड माइंडेड, जो कल्चर फेलो रहेगा, संस्कृति वाला स्वाभिमान वाला आदमी रहेगा, वो हमेशा ब्रॉड माइंडेड रहेगा, ओपन माइंडेड जिसे बोल सकते हैं, या बड़ी सोच वाला है, ठीक है। ब्लाइंड नेगेशन ऑफ द अदर्स व्यू पॉइंट्स विदाउट द थोरोली अंडरस्टैंडिंग देम इज एन अनकल्चर्ड अप्रोच, ठीक है, जब तक सामने वाले की सोच को ना समझे और उस पर भरोसा कर लिया जाए तो वो अनकल्चर्ड वे में कहलाएगा, ठीक है। कल्चर्ड वे कौन सा कहलाएगा, जब उसे सुन भी ले और उसे समझ भी ले और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी कर सके, या उसे समझ के उसका कुछ आंसर दे पाए, दैट इज कॉल्ड द कल्चर। और अनकल्चर्ड क्या हो गया, सुन तो लिया बाकी तुरंत उसको बिगड़ सोचे समझे उसका डिसीजन सुना दिया, दैट इज कॉल्ड द अनकल्चर्ड, ठीक। अ साइंटिफिक माइंड एग्जाम एवरी थिंग बिफोर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग, ठीक है, एक साइंटिफिक माइंड होता है सबके पास में कि हाँ सर चलो पुराने लोग से हम सीख ही रहे हैं, ठीक है, अब हमारी खुद की भी सोच है कि हम, ठीक है, तो एक साइंटिफिक माइंड होता है जो एक चीज़ को एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने से पहले उसे एनालाइज करता है, ठीक है। ही ट्राइज टू इम्बेल द ट्रूथ वॉट एवर इट इज फाउंड, ठीक है, उसमें एक सच्चाई को खोजने की कोशिश करता है कि हाँ ये सही है, बहुत सारे रूमर्स होते हैं बेटा लाइफ में, पूरा हमारे पूर्वज ऐसा कह गया सही है या नहीं है उससे भी तो फाइंड करो पहले, ठीक है, कह गए थे वो बात की बात है, ठीक है। जनरली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, रुक गए, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, किसने पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, रुक जाना, नहीं तो आप शगुन हो जाएगा, तो माइंड में आपने वैसा सेट कर लिया तो वैसे ही होगा वो इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो वो पता भी तो करो कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक। इफ वी रिप्रेजेंट साइंटिफिक कल्चर मोस्ट ऑफ द इंटरनल एंड द ग्लोबल प्रॉब्लम वुड बी फाइंड इजी सॉल्यूशन, और जो ग्लोबल प्रॉब्लम है उसका एक इजी सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर हम साइंटिफिक वे में सोचे जाए कि इसका कुछ ऐसा करा जाएगा तो क्या होगा, इसका करा जाएगा तो जो ग्लोबली जो प्रॉब्लम है कल्चर को लेकर जो प्रॉब्लम है तो वो सारी इजी पॉइंट पे सॉल्व हो जाएंगे बेटा। एवरी कंट्री थिंक्स दैट एलियंस पीपल एंड रेसेस इन्फर क्रिएचर्स, ठीक है, हम लोग बाहर के लोगों को जैसे एलियंस इनमें जो फॉरेनर लोग हैं उनको बताएगा कि हम उन लोगों को बिल्कुल गलत मानते हैं या फिर बोल सकते हैं उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ये नहीं बिल्कुल ही गलत है, जैसे वेस्टर्न कल्चर हम लोग जैसे बोल सकते हैं कि बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है ऐसा बोलते हैं हम लोग। द नेशन ऑफ द ईस्ट आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंड इन देयर आइडियाज एंड कन्विक्शन एंड दी सुपर प्रियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस, जो ईस्ट कंट्री जैसे हम लोग ये हम लोग हमारे क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो पुराना देखा हम उसी में बिलीव करते हैं, हम लोगों को कहीं दबाया गया था, हम लोगों पर रूल हुआ था, तो हम लोगों को जो सिखाया गया है, ठीक है, हम वो इसी चीज़ पर भरोसा करते हुए आ रहे हैं, हम लोग अभी नई चीज़ पर तो गए ही नहीं, हम लोगों पर रूल हुआ है, हम लोग हमारे पे राज हुआ है, ठीक है, हम लोगों पे अत्याचार हुआ है, तो इसी वजह से हम लोग वो सारी चीज़ें फॉलोअप करते हुए आ रहे हैं और नई चीज़ करने में थोड़ा सा डरते हैं, क्यों, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डर लगता है कि वैसा तो नहीं कि वो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए हम धीरे धीरे मॉडर्निटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक, उसी का एग्जाम्पल है। दे हैव जॉइंट एंड गॉड हैविंग बीन एक्सप्लॉयड, इट ब्रॉट अ सेंस ऑफ द रियलिज्म टू देम, ठीक है, अब धीरे धीरे रियलिज्म जैसे जैसे हम लोग भरोसा करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दो देयर वेयर नॉट एडवांटेज इन द मटेरियल एंड द टेक्निकल थिंग्स, देयर वेयर प्राउड ऑफ देयर स्पिरिचुअल वैल्यूज, और हम लोग जो इसके लोग हैं मतलब जो इस साइड में इंडिया हो गया नेपाल हो गया ये सारी चीज़ें हम लोग स्पिरिचुअली वैल्यूज में ज़्यादा बिलीव करते हैं ना कि मटेरियल और मैकेनिकल में, जैसे बोल सकते हैं कि हम लोग टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं जितने हमें स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल में ज़्यादा भरोसा है तो हाँ ऐसा हो जाएगा मतलब हो जाएगा डेट सेट, ठीक है, बट टेक्निकली उसे मटेरियली प्रूव नहीं कर सकते, ठीक, बट अब धीरे धीरे प्रूव कर रहे हैं बेटा।
पंडित जवाहरलाल नेहरू पिटीज देयर लॉर्ड्स, और इसी के लिए वो सबसे ज्यादा दया करते हैं इन पे, कैसे लोगों पर, जो हम लोगों पर, कि हम लोग स्पिरिचुअली ज्यादा वैल्यूज करते हैं बाकी, ना कि प्रैक्टिकली या फिर मटेरियली, ठीक है। नेशनलिज्म ओनली गिव्स द लिमिटेड लाइफ ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ यूनिटी सिंस इट आइसोलेटेड द पीपल कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेशनलिज्म ओनली गिव्स ग्रोथ, ठीक है, आप में एक अच्छी जैसा बोल सकते हैं देशभक्ति है, तो वो क्या होगा कि वो लिमिटेड ग्रोथ देगी आपको, स्ट्रेंथ देगी, यूनिटी देगी, सिंस इट्स आइसोलेटेड, जब तक वो किसी द्वारा टर्न नहीं कर दिया जाए या फिर उसे बोल सकते हैं डाइवर्ट नहीं कर दिया जाए, ठीक है। द पीपल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे लोगों से हम लोग जब तक उसे सीख नहीं लेते कि कैसे करना है क्या करना है, पता चला जिस दिन सीखा उस दिन ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। एग्रेसिव नेशनलिज्म कॉजेस द इंटरनेशनल टेंजेंसी, जिसे बोल सकते हैं कि हम लोग अगर एग्रेसिव अगर नेशनलिज्म दिखाएं तो वो कहीं ना कहीं इंटरनल जो डेंजर है वो कहीं ना कहीं कॉज करेगी। जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हम लोगों को बोला नहीं हमारा ही कल्चर सब कुछ है हम यही मानेंगे इसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बेटा, ठीक है। इट मेक्स द कल्चर स्टैटिक विद कॉज द कन्फ्लिक्ट, ठीक है, स्टैटिक को स्थिर बना देगा और हम लोग को कन्फ्लिक्ट मतलब विरोधाभासी बना देगा, लोगों से विरोध करना सिखाएगा, ठीक। इट इज अ फेलोअर वॉक टू द कल्चर और इवन ऑफ द गॉड व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स एंड डाइज, ठीक है। कल्चर की बात करना लोगों में मतलब पागलपन जैसा है कि उनको संस्कृति के बारे में या नई चीज बदलना मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो, उनका तो मरने और जीने के बीच में जो रेस चल रही है वही संस्कृति कहलाती है उनके हिसाब से, ठीक है। सच प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड इन द इकोनॉमिकल एंड अदर वे, ठीक है, ये प्रॉब्लम को समझाने के लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली और या कोई सा अलग रास्ता चूज करना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड वन अनदर वी वुड लिमिट अवर सेल्फ कम्प्लीटली, ठीक है, अगर हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे बाहरी लोगों को हम लोगों को या फिर बाहरी दूसरे राज्यों के लोगों को या हमको, तो हम कम्प्लीटली कहीं खुद को रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। वी शुड डेवलप अ फ्रेंडली अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग अदर एंड अदर्स माइंड्स हार्ट्स, अ फ्रेंडली अप्रोच अंडरस्टैंडिंग अदर्स एंड अदर्स माइंड्स हार्ट ओपन, ठीक है। एक फ्रेंडली अप्रोच अगर हम धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहेंगे तो हम लोगों को कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, और वो धीरे धीरे हम लोगों के माइंड को भी ओपन करेगा। इफ अप्रोच इज गुड रिस्पॉन्स एंड श्योरली गुड इन दी वाइस वर्सा, ठीक है, अगर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो वैसा जैसा गिव रिस्पेक्ट टेक डबल रिस्पेक्ट वाला, फॉर एग्जाम्पल फ्रेजल वर्ब हम लोग बोले जैसे को जैसा जैसा आप दोगे वैसा आपको रिटर्न बैक मिलेगा। वी शुड बी ऑलवेज प्रिफर टू एक्सेप्ट वॉट इज गुड इन दी एलियंस और विद देम, ठीक है, हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा फॉरन लोगों में क्या अच्छाई है, ठीक है, या दूसरे प्रांतों के लोगों में क्या अच्छाई है, और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा और उस चीज़ को उनके साथ में देखना भी पड़ेगा और जीना भी पड़ेगा, ठीक है। इट हेल्प अस इन दी इनकरेजिंग अवर कल्चर, और यही सारी चीज़ें हम लोगों के कल्चर संस्कृति को आगे बढ़ाएगी। सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस कल्चर द मोस्ट, ठीक है, सिविलाइजेशन सभ्यता, अब जैसे हिंदू सभ्यता आजकल पूरे वर्ल्ड में जानी जा रही है, तो बेटा वो हमसे इन्फ्लुएंस हुए, धीरे धीरे हम लोगों से इन्फ्लुएंस हुए, तो हम लोगों को भी उनसे कुछ इन्फ्लुएंस होकर कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। कल्चर इज इन्वॉल्व द इनहेरिटेड एंड नॉट मेड और एक्वायर्ड, ठीक है, इसे सिखाया पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन आपको खुद ही गेन करना पड़ेगा। कल्चर मीन्स बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन स्पाइसेस थ्रू द प्योरिटी ऑफ माइंड, और जब तक एक प्योरिटी ऑफ माइंड अगर जैसे बोल सकते हैं शुद्धता अगर माइंड में नहीं लाएंगे जब तक हम लोग इसे डेवलप नहीं कर पाएंगे अच्छे कल्चर को। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द चैप्टर व्हाट इज कल्चर बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्वेश्चन आंसर विल बी डिस्कस इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस एवरीबॉडी।